अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू पराठे की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है आधा केजी आलू। आलू को हमें सबसे पहले 20 मिनट के लिए उबालना है। बीस मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे। हमारा आलू बिल्कुल तैयार है, सॉफ्ट हो गया है। सबसे पहले हम आलू का छिलका उतारेंगे। अब हम आलू को मैश करेंगे अच्छे से। आप देख सकते हो हमारा आलू बिल्कुल मैश हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे प्याज एक बारीक कटा हुआ, ग्रीन चिली बारीक कटे हुए, गरम मसाला, क्यूमन सीड्स, अजवाइन, कोरिएंडर सीड्स मिलाएंगे और मिलाएंगे इसमें कोरिएंडर लीव्स बारीक कटे हुए और मिलाएंगे नमक आधा चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर एक चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, कोरिएंडर पाउडर मिलाएंगे आधा चम्मच और मिलाएंगे रिफाइंड ऑयल दो चम्मच। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाकर हाथों से तैयार करेंगे। अच्छे से हाथों से मिलाना है इसको ताकि ये सॉफ्ट मिक्सचर तैयार हो जाए। आप देख सकते हो हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब यहाँ मैंने लिया है आशीर्वाद आटा आधा केजी। इसको अब हम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक आधा चम्मच और गुनगुना पानी लिया है मैंने यहाँ आटा गूंदने के लिए। हमें आटे को अच्छे से गूंदना है। आप देख सकते हो हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ तवा रखा है गैस पर पराठे बनाने के लिए। हम सबसे पहले अब लोइया बनाएंगे। ख्याल रखें मिक्सचर को हमें अच्छे से लोई में भरना है और किनारों को हमें अच्छे से बंद करना है। अच्छे से किनारों को बंद करना है ताकि जब हम पराठा बेलते हैं तो ये मिक्सचर बाहर ना निकल जाए पराठों से। हल्के हाथों से हम इसको तैयार करेंगे। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा पराठा हमारा तैयार हो गया है। पराठे पे हमें दोनों साइड से बटर लगानी है। दूसरे साइड से भी लगानी है। एक एक करके ऐसे ही सब पराठे बनाने हैं। बहुत ही टेस्टी और अच्छे बने हैं मेरे आलू के पराठे, बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी। अब मेरे बच्चे बैठे हैं यहाँ, मैं इनसे टेस्ट कराऊंगी। बच्चों को मैं दही के साथ टेस्ट करवाती हूँ, देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह करो। आप भी टेस्ट करो। शाबाश बच्चों, कैसे बने हैं मेरे आलू के पराठे?